लोकसभा चुनाव होने में करीब एक साल का वक्त है, लेकिन चुनावी हलचल अभी से तेज हो गई है। देश के संत समाज ने भी लोकसभा चुनाव में संतों को टिकट देने की मांग की है। संत समाज ने कहा कि यदि धार्मिक नगरियों से किसी संत को टिकट नहीं दी गई तो संत समाज वहां से अपना निर्दलीय प्रत्याशी उतारेगी और वो जीतेगा भी। 2024 का लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है। सभी राजनीतिक पार्टियां अभी से अपनी तैयारियों में जुट गई हैं। पार्टियां जीतने के लिए कोई कसर छोड़ना नहीं चाहती हैं। 2024 के चुनावी महासंग्राम में संत समाज भी उतरना चाहता है। धार्मिक नगरी हरिद्वार से संत समाज सभी पार्टियों से संत को टिकट देने की मांग कर रहा है, और यदि मांग पूरी नहीं होती है तो संत समाज बैठक कर इस बारे में निर्णय लेगा और निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में किसी संत को उतारने की बात भी कर रहा है। संतों की इस मांग का समर्थन कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता और वरिष्ठ नेता कल्कि पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने किया है। आचार्य प्रमोद ने कहा है कि हरिद्वार का सांसद तो किसी संत को ही होना चाहिए, और सिर्फ सांसद ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की तरह ही उत्तराखंड का मुख्यमंत्री भी किसी साधु संत को होना चाहिए, तभी देवभूमि का विकास हो सकेगा। मैं साधु संतों की मांग का समर्थन करता हूँ, इसमें चाहे कोई भी पार्टी हो। संतों ने ये नहीं कहा है कि किसी एक पार्टी के संत को टिकट मिले, उन्होंने सभी पार्टियों से संतों को टिकट देने की मांग की है। हरिद्वार देवभूमि का द्वार है, तो यहाँ पर जो सांसद हो कोई भी संत हो, चुनाव आने वाले हैं, सभी पार्टियों से हम आग्रह करते हैं कि वो यहाँ कम से कम हरिद्वार सीट से किसी भी सांसद को उतारें, तो वो केवल साधु हो, क्योंकि संत न होने के कारण से हम पिछले दिनों में हरिद्वार की दुर्दशा देख चुके हैं। यहाँ जिहादी बढ़ रहे हैं, यहाँ मांस मदिरा का व्यापार बढ़ रहा है, और यहाँ पर देशद्रोही और समाजद्रोही गतिविधियां बढ़ गई हैं, और इसके कारण से संतों के मन में आक्रोश है कि ये सब करने वाले हैं नहीं कुछ, और क्योंकि इनको केवल राजनीतिक हथकंडे आते हैं, तो सभी संतों से विचार होकर संतों ने कहा है कि इस बार केवल केवल सांसद संत होना चाहिए। और अगर उन्होंने नहीं सुना, उन्होंने सोचा कि केवल हम वोट लेंगे, अपना मनमानी करेंगे, तो फिर सभी संत सामूहिक रूप से बैठेंगे और कोई अपना प्रत्याशी तय करेंगे और वह चुनाव लड़ेगा। हिंदू सुरक्षा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महामंडलेश्वर स्वामी प्रबोधानंद गिरी महाराज का कहना है कि हरिद्वार देवभूमि का द्वार है, इसलिए यहाँ का सांसद संत होना चाहिए। लोकसभा 2024 के चुनाव आने वाले हैं, हम सभी पार्टियों से निवेदन कर रहे हैं कि वह अपने प्रत्याशी संत को बनाए, क्योंकि हरिद्वार में जिहादी बढ़ रहे हैं, मांस मदिरा का व्यापार हो रहा है, साथ ही देश विरोधी गतिविधियां भी यहाँ से संचालित हो रही हैं। इसके कारण साधु संतों के मन में आक्रोश है। साधु संतों ने विचार किया है कि इस बार हरिद्वार का सांसद कोई संत होना चाहिए। अगर राजनीतिक पार्टियों ने हमारी बात नहीं मानी तो साधु संत बैठक कर अपना प्रत्याशी निर्दलीय मैदान में उतारेंगे। देखिए, हरिद्वार धर्म नगरी है और धार्मिक दृष्टिकोण से उत्तराखंड देवभूमि है, तो हरिद्वार का सांसद कोई संत हो ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ सांसद क्यों हो? मैं तो चाहता हूँ उत्तराखंड का मुख्यमंत्री संत हो, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में भी कोई साधु होना चाहिए। देवभूमि का मुख्यमंत्री साधु हो तो बड़ी खुशी की बात। इन संतों ने ये मांग की है, मैं उसका समर्थन करता हूँ। कोई बने, बीजेपी लाए, कांग्रेस लाए, कोई तीसरी पार्टी लाए, संतों ने ये थोड़ी कहा कि हरिद्वार में किस पार्टी से कौन सांसद। संतों की मांग है कि हरिद्वार एक धर्म नगरी है, धर्म नगरी का प्रतिनिधित्व किसी संत को करना चाहिए। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रति माह 1,000 रूपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रूपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।